नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। पेज जब हम बात करते हैं टैरो के अंदर, तो पेज स्टैंड करता है जिसने अपनी यात्रा जो है अभी अभी शुरू करी है। दे आर यंग, दे आर एनर्जेटिक, दे आर एंथुजियास्टिक, दे आर ऑलवेज रेडी टू रॉक ऑन, दे हैव लाइक लॉट्स ऑफ एनर्जी सिटिंग इनसाइड ऑफ देम, दे आर रेडी टू गो ऑन एनी काइंड ऑफ अ जर्नी। तो टैरो के अंदर चार तरह के पेज हैं, और आज जिस पेज के आज हम बात करने वाले हैं वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स हैं एनर्जेटिक, पैशनेट, इंटेलेक्ट, आइडियाज, लैक्स एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। तो जैसे मैंने बोला कि पेज जो हैं अपने आप में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनकी यात्रा जो है अभी भी शुरू हुई होती है। वॉट इज़ मिसिंग इन दैम इज़ द एक्सपीरियंस पार्ट, वॉट इज़ मिसिंग इज़ दी मेच्योरिटी। तो आप कुछ ऐसा समझिए, पेज ऑफ सॉर्ड थोड़ा सा जो है घबराने वाला कार्ड है, वो इस तरह से कि आपने जैसे एक बच्चे के हाथ में जो है वो सॉर्ड दे दी, एक बच्चे के हाथ में एक आपने ताकत दे दी, और वो जो है बिकॉज ही इज़ नॉट सो मेच्योर ही कैन एक्चुअली मिस यूज़ इट, वो जो है अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है और वो दूसरे को भी नुकसान पहुँचा सकता है। दिस इज़ वॉट पेज ऑफ सॉर्ड एक्चुअली सिग्निफाई। और अगर आप इसके पिक्चोरियल में जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो पीछे जो बादल हैं, देर आर लाइक सो मैनी क्लाउड्स आउट देयर, देर आर सो मैनी बर्ड्स इन द स्काई। पीछे जो है ट्रीज़ हैं जो कि हवा के कारण जो है वो बहुत तेज़ी से जो है जैसे आंधी चल रही हो पीछे, और एक नदी सी बह रही है वो भी उसके अंदर जो है बहुत उछाल है। सो ऑल दिस इज एक्चुअली सिग्निफाइंग, यू नो, लाइक थिंग्स आर एक्चुअली लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड देर इज़ टू मच इज़ हैपनिंग एंड दिस टू मच इज़ हैपनिंग दैट दिस पेज कैन हैंडल। और पेज ने जो है अपनी सॉर्ड भी जो है दोनों हाथों से पकड़ी हुई है, लाइक किसी तरह से जो है उसने जो सॉर्ड है वो दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। बट बेसिकली मीन्स लाइक द पावर इज़ लाइक ग्रेटर कि वो दोनों हाथों से भी वो हैंडल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे चैलेंज एक ही आ जाता है कि जब इतनी ऊर्जा जब आपको दे दी जाए तो उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। और अक्सर यही होता है कि जब आपको जो है एक अबंडेंस में जो है जब ऊर्जा आपके पास आ जाती है और आपको पता नहीं है उसको कैसे यूज़ करना है, तो अक्सर यही होता है कि आप जो है उसके साथ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है एक दर्जी की, जिसको शौक़ था लॉटरी की टिकट खरीदने का। उसको रोज़ एक आदत पड़ी हुई थी, वो रोज़ जाके जो है 1 रुपये की टिकट खरीद लेता। टिकट जो है जब वो ख़रीदता था उसको एक तरह से जो है एक आदत सी पड़ गई थी, कि उसको लगता था कि निकलेगी तो है नहीं, कोई बात नहीं खरीद लो। तो अक्सर यही होता था, उसकी एक ये जीवन की शैली बन गई थी कि उसको अपनी दुकान से जाने से पहले वो टिकट खरीदता था, उसके बाद फिर दुकान में जाता था और शाम को जो है उसके रिजल्ट्स चेक करता था। एक दिन जो है गलती से उसकी 1 लाख रुपए की जो है लॉटरी निकल गई, जो कि उसको यकीन ही नहीं हुआ। और ये बात जो है थोड़ी पुरानी है, इसलिए उस वक्त लाख रुपए जो है बहुत बड़ी बात होती थी। दर्जी ने आओ देखा ना ताओ चाबी ली और अपनी कुएं में फेंक दी। और होना क्या था, उसने जहाँ पे वो रोज़ के जो है 5-10 रुपए इकट्ठे करता था अपनी लिविंग के लिए, अब एकदम से 1 लाख रुपया उसके सामने जो है आ गया। उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। तो होना क्या था, उसने जो है उस पैसे का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उस पैसे से उसने लड़कीबाजी की, उस पैसे से उसने शराब पी, और देखते देखते जो है 2-3 महीने में उसकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई। और जब तक जो है वो दर्जी का काम करता था उसकी कम से कम हेल्थ बढ़िया थी, अच्छा था और खुश भी था। लेकिन इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं वो अंदर से प्रार्थना करने लग गया कि अब ये ख़त्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इतनी ज़्यादा जो है वो पेन हो गया था। बल्कि आप ये देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, सुख भी जो है एक अगर ज़्यादा हो जाए तो जो है पेन देने लग जाता है, और वही इस दर्जी के साथ हुआ। और फिर खैर 3-4-5 महीने होते होते जो है वो जो पैसा था वो ख़त्म हो गया, और दोबारा से उसकी एक ऐसी स्टेज बन गई कि अब उसको जो है दोबारा से काम करना पड़ेगा और दोबारा से जो है अपनी रोज़ी रोटी जो है शुरू करनी पड़ेगी। और अंदर ही अंदर जो है वो कहीं ना कहीं प्रार्थना भी करने लगा कि हे भगवान मेरी लॉटरी अब दोबारा मत लगाना। लेकिन आदत पुरानी थी, उसने दोबारा से टिकट खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन टिकट खरीदता था लेकिन साथ साथ ये भी बोलता था कि हे भगवान प्लीज़ मेरी लॉटरी मत लगाना। लेकिन होना क्या था, कुछ टाइम बाद दोबारा से लॉटरी लग गई, और इस बार जो है उसने बोला कि इस बार तो मारेगी, अभी जो थोड़ी बहुत जो हेल्थ बची हुई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पावर के साथ कुछ ऐसे ही है कि जब एकदम से आपके पास आ जाए तो वो हैंडल नहीं होती है,
जिसने जो है 5-10 रुपए देखे हो अपने दिन के, उसको एकदम से 1,00,000 रुपए मिल जाए, तो आप सोचो क्या हालत होगी उसकी। तो कहीं ना कहीं जो है पावर के साथ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा हुआ है तो वो जो पावर जब आपके हाथ में आएगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जब भी एक पेज जो है अपनी यात्रा शुरू करता है तो वो बहुत एनर्जेटिक वे से अपनी यात्रा शुरू करता है, उसके पास जो है इंथुजियाज़म होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन व्हाट इज़ लैकिंग द मोस्ट इज इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। और मैच्योरिटी ना होने के कारण अक्सर जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचा बैठता है और दूसरे को भी जो है उसमें रिस्क होता है। अगर आप देखेंगे कि पेज ऑफ सॉर्ड्स के अंदर जो है उसकी जो सॉर्ड है वो डबल एज्ड है, वो डबल एज का मतलब हुआ वो इंटेलेक्चुअलिटी के लिए एक तो स्टैंड करती है, वो स्टैंड करती है माइंड के लिए। और आप इस चीज़ को समझिए, माइंड जो है हमारा दुश्मन भी हो सकता है और हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है, दोनों चीज़ें उसके साथ है। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू यूज़ द सॉर्ड इन द राइट वे, दैट यू शुड बी मैच्योर इनफ दैट यू कैन यूज़ दिस इन द राइट डायरेक्शन। इसलिए ये पेज जो है बहुत पैशनेट है और इसको लगता है ये कुछ भी अचीव कर सकता है, ये कुछ भी जो है अपनी लाइफ में कर सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड ऑल्सो स्टैंड करता है कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और आइडियाज़ के लिए। तो अगर हम देखा जाए तो पेज ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी है विच एक्चुअली वेरी एक्सप्लोसिव, लाइक टू मच इज हैपनिंग। क्योंकि हम पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो है एक छोटे एक इमेच्योर आदमी के पास जो है वो आ गई है। और अक्सर जो है वो इसका जो है गलत यूज़ ही करेगा, वो इसको आर्ग्यूमेंट्स में लेके जाएगा और वो अननेसेसरी डिस्कशंस में चली जाएंगी। इस एनर्जी का जो है सही यूज़ तभी होगा जब इसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। वो कहते हैं कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इस आदमी के पास पावर तो आ गई है लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। जब भी पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि देर इज़ टू मच विच हैज़ बीन गिवन टू यू, और लाइक यू आर टू मच इन्वॉल्व विद सम काइंड ऑफ एन इंटेलेक्ट और टू मच ऑफ माइंड विच इज़ लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन टू समथिंग, and it is just warning you to just slow down, relax and try to seek the help of someone who is older. Page of Sword हमें जो है suggest करता है आप अपने से बड़े के साथ जो है थोड़ा time spend कीजिए, क्योंकि वो आपको guide करेगा, वो आपको बताएगा कि what is best for you. Page of Sword वाले लोग जो हैं वो फटाफट decision लेने वाले हैं, वो फटाफट जो है अपनी तरफ से जो है चीज़ें करने वाले हैं, and what is suggested to them is try not to jump. What is important is just slow down and try to relax and then take action. है इसलिए अगर आप कार्ड में जब देखते हैं कि पीछे जो हैं बहुत सारे बादल हैं, वो ये बताता है कि the mind is not clear और there are like so many birds which means like there are so many thoughts which are going on. और पीछे हम ये भी देखते हैं कि पेड़ जो है एक हवा से जो है झूल रहा है और जो नदी है वो उसके अंदर जो है एक उछाल आ रखा है, which means like too much is happening. Which basically means like it's a kind of a restless kind of an environment which is shown. So the page of sword jo hai ultimately hame ye message deta hai to slow down, and right now you are not in a position to handle something which has been given to you, so calm down, relax and then go ahead. So this was my reading for you for page of sword. Iske aur jaate jaate jo hai ek quote jo ki page of sword ke liye maine choose kara hai, ये कोट है नेपोलियन हिल का। वो कहते हैं कि यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। दिस इज व्हाट द मैसेज ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड इज, कि मन को या तो आप जो है अपने नियंत्रण में लीजिए, नहीं तो मन आपको नियंत्रण में ले लेगा। जो हमारा मन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक यंत्र है, वो हमारा सर्वेंट है। अक्सर क्या होता है कि मन जो है वो मालिक बन के बैठ जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस लिव आर लाइफ इन ऑटो पायलट। मन क्या है, मन को यूज़ करना जो है कुछ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को जो है एक ऑटो पायलट में डाल देते हैं, और जब वो कंट्रोल जो है आपके पास वापस आता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड। दैट इज़ व्हाट कृष्णा आल्सो सेज इन द गीता। इसलिए आप गीता में ये भी देखते हैं कि कृष्ण जो है उन्होंने अपने हाथ में लगाम ले रखी है, और जो अर्जुन है वो मन है, वो पीछे बैठा हुआ है। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर पेज ऑफ सॉर्ड। I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.